अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और जो है मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही थी, तो अपने व्लॉग का जो है ना वो स्टार्ट यहीं से कर दिया। स्कूल से आते ही बच्चों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। खैर, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कोफ्तों की रेसिपी। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो है हमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, जिसको हमें फ्राई करके निकाल देना है ऑयल से, मतलब जो भंगार की प्याज होती है, इस तरह से उसको ब्राउन करके निकाल देना है। 1/2 kg कीमा है, जिसके अंदर जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज पीस कर डाली है, और साथ में अदरक का जो 2 इंच का टुकड़ा था वो मैंने पीस के डाला है इसके अंदर, और साथ में जो है वो 7-8 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया, और जो है ना 2 टेबलस्पून खशखाश पाउडर डाला है, और 2 टेबलस्पून जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर डाला है। 1 teaspoon मैंने इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, और कुटी हुई मिर्चें जो है वो 1 teaspoon डाला है। अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करके उसके बॉल्स बना लें। अब बारी आती है कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए, जिसके लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लें और उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें बारीक पीस के, और ऑयल गर्म करके उसके अंदर मैंने जो है ना ये प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया था, साथ में 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो किसी भी लाल मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 teaspoon जो है वो मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, और मसाले को जो है वो कम से कम 2 से 3 मरतबा भूनना है। जब इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाए, बबल्स आने लगें, तो दोबारा से जो है ना वो पानी डाल के भूनना है। तो यहाँ पर मैं भंगार की प्याज जो मेरे पास थी, इसको मैंने जो है ना वो दही डाल के ग्राइंड कर लिया था, तो यहाँ पर दोबारा मैं देखें पानी ऐड कर रही थी, और इसको दोबारा से एक बार भून लेना है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। तो 1 by 1 करके मैंने तमाम कोफ्ते डाल देने हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि जो है थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। तो कोफ्ते डालने के बाद जो है वो हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर तक हम इसको यूं ही रहने देंगे, जब तक अच्छी तरह से इसमें बबल्स बन के, मतलब मसाला इसका भुनने ना लग जाए, और कोफ्तों का अपना भी पानी इसमें निकलता है। लेकिन इसमें मैंने साथ में जो है थोड़ा सा पानी ऐड किया था कोफ्ते डालने से पहले, वो मैं आपको बताना भूल गई। फिर उसके बाद जो है वो हम इसको कवर करेंगे, लेकिन कवर जो है हम इसको 1/2 ढक्कन से कवर करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से पक चुके थे, अब हम इसमें डाल देंगे आलू। और आलू डालने के बाद जो है वो इसको जो है ना वो मतलब चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, सिर्फ आपको कपड़े की मदद से आप देगचे को मतलब मूव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था ये जो मेरे पास दही का और भंगार का जो पेस्ट था जो मैंने ग्राइंड किया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोफ्ते जो है ना आलू नीचे नहीं जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा चम्मच चला लिया था, लेकिन ध्यान से बिल्कुल ना, ताकि कोफ्ते ना टूटें। तो जब दोबारा से मसाला इसका भून गया, तो अब हम इसमें ना शोरबे के लायक जितना हमें शोरबा रखना है, तो वो हमने पानी ऐड कर लिया, और पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके थे, बहुत मज़ेदार बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो अपने वीडियो का एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है ना ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। पकड़ लो ना हम राहिम 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 देखो चूजा चूजा उठा लो राहिम अन्ना साहब छोड़ दो कैमरे में कैसे देख रहा हूँ।